ऐसा खाना तो मतलब राजधानी में बोलकर भी आप नहीं करवा सकते। मैंने बस एक शब्द के लिए ऑर्डर किया था, उसमें होम मील लिखा हुआ था। ये होमली स्टाइल ही है लेकिन थोड़ा इसमें तड़का भी है, अच्छा वाला तड़का। और बाकी इस ट्रेन में ना प्राइवेसी बोलकर कुछ भी नहीं है भाई, कभी भी कोई बिना नॉक किए ऐसे ही खोल देते हैं गेट। गुड आफ्टरनून एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग का शुरुआत हो तो रहा है घर से, लेकिन वीडियो एंड घर पे नहीं होगा। पता नहीं कहाँ पे वीडियो एंड करूंगा मैं, या तो मैं मुंबई में करूँ या फिर मैं अहमदाबाद में करूँ। एक्चुअली ये तो वीडियो आप लोग थोड़ा लेट देख रहे हो, लेकिन अभी मैं निकल रहा हूँ घर से वंदे मेट्रो का इनॉग्रल जर्नी कवर करने के लिए। हाँ जी, हमें भी इन्विटेशन था। वैसे तो भाई जितना भी इनॉग्रल होता है ना सभी के लिए कॉल आ जाता है, लेकिन अब क्या है ना इनॉग्रल कर करके ना सच बताए तो पक चुके हैं भाई। मतलब वही सेम वंदे भारत, हाँ रूट अलग अलग होता है तो इसलिए मजा आता है दिखाने में। जैसे अभी मेरे को बहुत मन था अपना हावड़ा भागलपुर या फिर हावड़ा गया या फिर टाटा नगर बरहमपुर, ये सब वंदे भारत कवर करने का मेरा बहुत मन था। अपने अंशुमन भाई है जो ये सब पासेस वगैरह बनाते हैं, उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, लेकिन मैं बोला भाई ऐसा ऐसा बात है मैं इधर जा रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल घर से निकल रहा हूँ, 5 बजे का अपना फ्लाइट है, अभी 2:30 बज रहा है, मैं रेडी हो गया हूँ बस। अभी वही अपना लंच रेडी है तो वही करता हूँ, कैब भी बुक हो गया है हमारा, थोड़ी देर में आएगा तो निकल जाऊंगा। ये अपना लंच है देख लो, रोटी और पनीर है, इसको बादशाही पनीर बोलते हैं, मस्त बनाती है मम्मी। कभी बोलोगे तो इसका भी रेसिपी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। और मम्मी कैसे हो? अच्छे हैं बेटा, पहले नाश्ता कर लो जल्दी। नाश्ता की लंच वही जो भी है। और यहाँ लवली कर रही है अपना सामान पैक। और ये विंटर का कपड़ा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सरप्राइज है वो, अभी हम सोचे नहीं है बट फिर भी हम लोगों ने बोला है ना लेके रख लो, क्या पता वहाँ के लिए हम निकल जाएं। देख लो भाई हमारा ट्रैवल ऐसे होता है, कुछ अता पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं रहता कहाँ निकले कहाँ नहीं, इसलिए ले लिए सब कुछ, बस निकल ही रहे हैं, थोड़ी देर में कैब आ रहा है। चलो मम्मी का ये दही चीनी तो नहीं है मम्मी? गुड़ है। दही गुड़ के बिना तो मतलब सफर अधूरा ही है। क्यों? चलो मम्मी आते हैं। अभी टाइम देखो 3:30 हो रहा है, अभी हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। ज्यादा नहीं, आज रोड खाली रहेगा पूरा, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम। चलो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट, फटाफट जाते हैं अंदर। ये प्रोसेस तो मैंने बहुत बारी दिखाया हुआ है। चलो जी एयरपोर्ट के अंदर तो आ गए हैं, सारा सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया है और अपना जो फ्लाइट है कहाँ गया? मुंबई एरा अपना 5:30 बजे का है मुंबई, फ्लाइट नंबर है UK 0774। ये वही फ्लाइट है जिसमें हमें अंकित तिवारी सर मिले थे, याद है? हम लोग जा रहे थे ताजमहल पैलेस को कवर करने के लिए। आपको तो पता ही है मैं विस्तारा का गोल्ड मेंबर हूँ, तो जितने बार भी मैं फ्लाई करूँ तो मुझे ना वो लाउंज एक्सेस फ्री मिलता है, तभी जाता हूँ मैं इनके बिजनेस लाउंज में, थोड़ा टाइम पास वहीं करते हैं। वैसे तो मैं घर से खाकर आया था लेकिन अभी इनके लाउंज में आना पड़ा, क्योंकि लाउंज ये कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं विस्तारा वाले मुझे। मैं अपना मील इंजॉय कर ही रहा था तभी जो इनके बिजनेस लाउंज के शेफ थे ना वो मेरे सब्सक्राइबर निकले, उन्होंने मुझे ये डेजर्ट अपने साइड से बनाकर दिया। तो अच्छा लगता है जब इन सब जगहों पे भी अपने सब्सक्राइबर मिलते हैं। तो ऑलराइट, तो अभी मैं इनके लाउंज से आ चुका हूँ अपने गेट पे। और एक बात तो बोलना पड़ेगा, कोलकाता का जो बिजनेस लाउंज है ना बहुत अपग्रेड हो गया है। अभी एक शेफ थे राहुल नाम था साथ उनका, उन्होंने भाई काफी अच्छे से मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह देखकर मजा आ गया। फिलहाल अभी अपने गेट के पास आ चुके हैं हम लोग और भीड़ बहुत है, लेकिन अपने को दिक्कत नहीं है, फ्लाइट फुल है लेकिन पता है, और ये देख कर ही पता चल रहा होगा, लेकिन कोई नहीं है, एंट्री तो हमारा पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई फ्लाइट में हम लोग बैठ गए और इस बार हमें कोई विंडो सीट नहीं मिला, तो आज नो लड़ाई, लवली चुपचाप मिडिल में बैठ गई, मेरे को आयल सीट, और मुझे वैसे भी आयल सीट बहुत पसंद है, मुझे आयल सीट बहुत अच्छा लगता है। और भाई मुंबई का फ्लाइट है, अभी रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग बनाया था, जाके देख लेना आप लोग, अलग से कुछ है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन जो भी सर्विस वगैरह रहेगा ना वो दिखा दूंगा मैं। 2.5 घंटे का फ्लाइट है अपना, फ्लाइट हमारा ऑन टाइम टेक ऑफ किया था बट मैं वीडियो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया क्योंकि विंडो सीट नहीं है हमारा। तो यहाँ पे अभी हमारा मील सर्व हो चुका है, वेज में दिखा देते हैं क्या है, कुलचा और छोले की सब्जी है, सही है, साथ में डेजर्ट भी है, यही रीज़न है मुझे विस्तारा बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ मील सर्व हुआ है हमें। आप में से काफ़ी लोग बोलते हो कि मोहित भाई इकोनॉमी में आप क्या इसके लिए पे करते हो, नहीं विस्तारा में ये सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, इवन आप पानी दोबारा तिबारा जितना मन उतना ले सकते हो। तो खाना इनका हो गया है कम्प्लीट भाई, वो जो छोले कुलचे थे ना एक नंबर, कैसा लवली डेजर्ट, कांठी रोल अच्छा था तुम्हारा? कांठी रोल मैं बोलूँगा ठीक ठाक सा था, लेकिन वेज इनका मस्त था, मस्त। चलो जी मुंबई हम लोग लैंड कर चुके हैं, और कैसा रहा फ्लाइट? फ्लाइट अच्छा था, खाना अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, अरे भाई कैसा। तो अभी बाहर आते ही देख लो, अभी सभी कोई लाइन में लगे हुए हैं, और प्रायोरिटी होने का एक फायदा अपना बैग आ चुका है भाई, वेट नहीं करना पड़ा। और यहाँ मिल लो भाई साहब, फिर से सत्या भाई,
एक बात बता, महीने में एक काम करते हैं ना, दिल्ली मुंबई में घर ले लेते हैं, रेंट दे के रहेंगे। बेंगलोर का पास ले लेता हूँ यार, आठवां चक्कर है इस महीने का। और आप लोग बोलते हैं कि मोहित भाई मुंबई बार बार क्यों जा रहे हो, अभी मैंने इंस्टा स्टोरी लगाया था। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गुजरात, गुजरात के लिए अहमदाबाद का फ्लाइट बेस्ट रहता है, लेकिन हम सोचे कि चलो थोड़ा सा सस्ती फ्लाइट लेते हैं और घूमते हुए जाएंगे। तभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं स्टेशन, कौन सा स्टेशन जा रहे हैं वीडियो में बने रहो, आपको पता चलेगा। कैब लेकर पहुंच चुके हैं बांद्रा टर्मिनस, ये देख लो। और यहाँ किस लिए आया तो मैं बता दूं, हमारा यहाँ से ट्रेन है। सभी स्टेशन के बाहर ना वो पुराने पुराने इंजन होते हैं, यहाँ देख लो वो क्या बोलते हैं उसको, रोलर, यहाँ पे रोलर रखा हुआ है, वो स्टीम से चलने वाला रोलर है ये। अभी हम लोग स्टेशन के ना लाउंज में आ चुके थे, ये लाइक एसी लाउंज है, लाइक अपर क्लास जिसको एसी लाउंज बोलते हैं ना वही है। अच्छा है, मतलब साफ सुथरा तो बोलूंगा मैं, साफ सुथरा है, ऐसे सोफे वगैरह लगे हुए हैं। और साथ ही अभी अपना डिनर का भी टाइम हो गया है ना, तो ये ईट फिट कुछ है ना, ईट फिट, ईट फिट से ये आ चुका है अपना दाल खिचड़ी, काफी कुछ है। अभी यही डिनर करते हैं, फिर तो अपना ट्रेन ही है, अभी लगभग 11:45 में हमारा डिपार्चर टाइम है, यहाँ से यहीं पे डिनर वगैरह कर लेते हैं आराम से। तो लो जी, अभी हम इनके लाइक वेटिंग लाउंज में थे, अभी स्टेशन में आ गए। वैसे आज हमारा जर्नी होने वाला है ट्रेन नंबर 22903 भुज सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, और इस रूट में ना मैं सर फर्स्ट टाइम जर्नी करने वाला हूँ। वैसे अहमदाबाद तक तो मेरा जर्नी हुआ है, लेकिन भुज वाले रूट में मैं फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ। कैसा ट्रेन है, क्या है, सब कोई साथ में ट्रैवल कर रहा है, सब दिखाएंगे आपको, वीडियो में बने रहो। और ये जो देख रहे हो ना बांद्रा टर्मिनस स्टेशन, तो मैं मतलब क्रॉस किया हूँ, लेकिन इस स्टेशन से कोई ट्रेन मैं फर्स्ट टाइम लेने वाला हूँ। अभी हम अपने प्लेटफॉर्म पे तो पहुंच चुके हैं, और ये देख लो पीछे हमारी ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22903 भुज सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और इस ट्रेन में मेरा फर्स्ट टाइम जर्नी हो रहा है, लाइट कम हुआ ना अभी, ये देखो लाइट तेज कम हो रहा है पता नहीं क्यों। और अभी हम खड़े हैं वैसे बांद्रा टर्मिनस में, इस ट्रेन से ना हम लोग एंड टू एंड जर्नी करने वाले हैं बांद्रा से लेकर भुज तक। तो कैसा जर्नी एक्सपीरियंस रहता है, कैसा नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिलहाल देख लो ये अपनी ट्रेन है, और 7 मिनट में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर जाएगी। टिकट का फेयर वगैरह, अंदर से इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा मैं। बाय द वे मैं बता दूं, आज हमारा फर्स्ट एसी में जर्नी हो रहा है, हमारे साथ वैसे सत्या भाई तो है ही, और श्रेयांश भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है, सबसे मिलवाते हैं, फर्स्ट एसी का टूर भी देते हैं, क्योंकि मैं इंप्रेस हो गया। ट्रेन बाहर से जितना साफ सुथरा है ना, अंदर से भी बहुत ही साफ सुथरा है। तो यही अपनी ट्रेन है, देख लो, बांद्रा टर्मिनस से भुज चल के आपको अंदर का इंटीरियर भी दिखाते हैं, और अपना वैसे एकदम लास्ट कोच है, ऐसा ही देख लो बाहर का कुछ नजारा, अंदर से आपको दिखाते हैं। वैसे अपना आज एक केबिन है, और आज पहली बार केबिन मिलने से हम खुश है, क्योंकि हम 4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 4 लोगों के लिए केबिन बेस्ट है। और देख लो अंदर से कुछ ऐसा है अपना फर्स्ट एसी। वैसे तो मैंने बताया आपको हमारी एंड टू एंड जर्नी होगी, और एकदम लास्ट कोच है ना अपना, वो जो पीछे जनरेटर कार होता है ना, उसका बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो इसलिए बाहर तो अच्छे से व्लॉग नहीं हो पाया, अंदर अच्छे से व्लॉग होगा। वैसे हमारी ये जो ट्रेन है ना अहमदाबाद होते हुए पहुंचेगी भुज, तो सुबह शायद हम अहमदाबाद पहुंचेंगे। वैसे पूरा रूट आपको बता दूंगा मैं, टिकट फेयर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। भुज में किस लिए जा रहा हूँ, ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, मैं जा रहा हूँ वंदे मेट्रो कवर करने के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वंदे मेट्रो का वीडियो नहीं देखा है, लिंक मिल जाएगा आई बटन में, जाके देख लेना, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे भी चेक कर सकते हो। फिलहाल 11:45 का डिपार्चर टाइम है, थोड़ी देर में बस निकलने ही वाला है हम लोग, ऑलरेडी 11:42 हो गया अभी। और यहाँ देख लो इतना कुछ हमारा खाना पीना आ चुका है, अभी इसमें बहुत कुछ है, दाल खिचड़ी है, थाली वाली, मतलब बहुत कुछ है, क्योंकि देख लो भाई रात में निकलेगी कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही सारा जुगाड़ कर लिया है। और बाकी तो फर्स्ट एसी का जैसा इंटीरियर होता है सेम है, तो 2 सीट इधर 2 सीट इधर। वैसे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, ये कर्टन्स वगैरह देख लो काफ़ी साफ है। वैसे ट्रेन निकलने से पहले ही देख लो यहाँ पे लाइक बेडशीट वगैरह टाल वगैरह दे रखा है इन्होंने। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो अपनी ट्रेन है ना ट्रेन नंबर 22903, ये सप्ते में बस 3 दिन ही चलती है, और अगर आप जाना चाहते हो भुज तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है ये मुंबई से। और सबसे मेन बात क्या है ना, ये एक अच्छे कैटेगरी की ट्रेन है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना 840 किलोमीटर कवर करती है 13 घंटे में, वो भी बस 7 हॉल्ट के साथ। अब ये हॉल्ट क्या क्या होने वाला है सब बताएंगे। 11:45 हुआ, ट्रेन अपनी निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस से, जाते हैं आपको फटाफट डिपार्चर दिखाते हैं। एकदम ऑन टाइम हमारी ट्रेन निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस से, ट्रेन हमारी कब की डिपार्ट हो चुकी है, और अभी भी हम स्टेशन ही क्रॉस कर रहे हैं। एकदम लास्ट वाला कोच है अपना, बगल में एक 8 सर का कोच है। चलो जी बांद्रा टर्मिनस को करते हैं बाय।
वैसे हमारी ट्रेन अभी बांद्रा से निकल चुकी है और हमारी ट्रेन का जो सबसे पहला हॉल्ट है वो है बोरीवली, जहाँ अभी कुछ ही दिन पहले हम आए थे राजधानी से। बोरीवली से निकलने के बाद अपने ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वो है सूरत। सूरत के बाद हमारी ये ट्रेन पहुंच जाएगी वडोदरा, उसके बाद आ जाएगा अहमदाबाद, और अहमदाबाद में मैं ट्राई करूंगा बहुत सारा क्रॉसिंग दिखाने का, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पहुंचेगी ना तो वंदे भारत तेजस वगैरह ट्राई करूंगा दिखाने का अगर मैं उठ गया तो। फिर अहमदाबाद से निकलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी हलवाद, उसके बाद हमारी ट्रेन समाखियाली जंक्शन होते हुए पहुंचेगी गांधीधाम जंक्शन, और फिर हम अगले दिन 12:30 बजे के लगभग पहुंच जाएंगे भुज। और भुज हम किस पर्पस के लिए जा रहे हैं ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, और जर्नी में बने रहो बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं। अभी रात में जो स्टेशन आएगा शायद ही मैं दिखा पाऊं। अभी हम सबको अंदर बैठ गए हैं और देखते ही देखते भाई बोरीवली स्टेशन भी आ गया। ये देख लो बोरीवली रेलवे स्टेशन, 2 मिनट का हॉल्ट होगा शायद यहाँ पे। खाना बाहर निकल चुका है ना इसलिए बाहर जाने का अभी मन नहीं है, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। और ये एक ऐसा रूट है ना, मतलब इसके बाद से अब खाना मिलना मुश्किल है इस रूट में, क्योंकि बोरीवली से निकलने के बाद मैंने बताया आपको अपनी ये जो ट्रेन का अगला स्टॉप है ना बोरीवली के बाद वो है एक ही बार सूरत, तो भाई इस बीच में कुछ नहीं मिलेगा अभी, तो इसलिए हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया था। ये डेली किचन दिखाना सकते हैं भाई वो, पहले तो हम लोगों ने ये 8 फीट क्या था भाई, 8 फीट का मंगाया था खिचड़ी और साबूदाना। अरे भाई खिचड़ी इनका जबरदस्त, अगर आप भी हेल्दी खाना प्रेफर करते हो खा कर देखना यार, इनका खिचड़ी बहुत अच्छा। अगर आप हेल्दी कुछ खाना चाहते हो तो मटर पनीर पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा वो आलू दम है, मेरे को वैरायटी दिखी है मैंने ऑर्डर कर दिया। साथ में यहाँ पे आलू दम पराठे हैं, ये मटर पनीर पराठे हैं, तो हाँ भाई काफी कुछ है यहाँ पे। काम करते हैं कुछ इनमें से एक ट्राई करते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है बहुत जबरदस्त है। चलो साबूदाना खिचड़ी भी ट्राई कर लेते हैं। ये ट्रेन में तो खाना सर्व होता नहीं है, लेकिन ये सभी खाना आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो अभी मैं ये ट्राई करने वाला हूँ साबूदाना खिचड़ी 8 फीट का, बहुत अच्छा बहुत ही हेल्दी, नो ऑयल, ऑयल रहता भी है तो एकदम ना के बराबर यार, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास थोड़ा भी जानकारी हो ना, जो लोगों का कंप्लेन होता है ट्रेन में उनको बहुत घटिया खाना मिलता है, ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिल पाता, कुछ नहीं करना है, आजकल स्टेशन में भी खाना डिलीवर होता है। अपने फेवरेट किसी भी रेस्टोरेंट से आप खाना ऑर्डर कर लो, अगर आपके ट्रेन में खाना नहीं मिलता है तो आप अच्छा खाना ही खाते हुए जाओगे। इसलिए देख लो हमारी वीडियोस वगैरह देखते होगे तो आपको आइडिया मिल जाता होगा कि ट्रेन में क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं। अभी श्रेयांश भाई ने एक बाइट लेते ही बहुत तारीफ करा, बाय द वे मैंने तो बताया मैं और लवली तो है ही, अपने सत्या भाई भी है साथ ही अपने श्रेयांश भाई भी है देख लो, तो हम चारों ही जर्नी कर रहे हैं। एक अपना मेन बंदा मिसिंग है संदीप भाई, वो अभी भाई गए नॉर्थ ईस्ट के टूर में, उनके जाके वीडियोस देखो भाई क्या ही वीडियोस बना रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, अभी ट्राई करते हैं इनका आलू दम और पराठे, बिना टेस्ट किए समझ में आ रहा है कितना डिलीशियस है। मुंबई से कहीं से ट्रेन ले रहे हो ना तो ये देख लो डेली किचन होम स्टाइल मील्स है, यहाँ का एक बार खाना ऑर्डर करना भाई। आलू दम तो जबरदस्त है, वहाँ पे भाई लोगों ने मटर पनीर वगैरह भी मंगाया है, वो भी बता रहे हैं वो कमाल है, जबरदस्त यार जबरदस्त। ये देखते ही देखते हमारी ट्रेन निकल चुकी है देख लो बोरीवली से, तो टोटल 555 में सत्या भाई ने ये सब ऑर्डर किया था जिसमें ये तीनों था, ये आलू दम क्या बनाया। और हम सच बता रहे हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में ना किसी को भी आइडिया नहीं था, हम लोगों ने बस एक गेस करा चलो अच्छा ही होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा ये नहीं पता था। ऐसा खाना तो मतलब राजधानी में बोलकर भी आप नहीं करवा सकते। बस एक शब्द के लिए ऑर्डर किया था, उसमें होम मील लिखा हुआ, ये होमली स्टाइल ही है लेकिन थोड़ा इसमें तड़का भी है, अच्छा वाला तड़का। चलो भाई अब सब खा रहे हैं, सबको खाने देते हैं। बोरीवली से निकलने के बाद अब एक ही बार आएगा सूरत, जो अगर मैं जगह रहा तो जरूर दिखाऊंगा मैं। तो अभी आप बोल सकते हो हमारी ये जो ट्रेन है ना अपने मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है। लो भाई बस 130 टच करने ही वाले है अभी, लगभग सुबह के 3 बजे हम पहुंचेंगे सूरत, अगर जगह रहा तो जरूर दिखाऊंगा मैं। चलो अपना अभी बिस्तर लग चुका है यहाँ पे, अब जा रहे सोने के लिए, तो ये अभी मस्त गुड नाइट वाला माहौल हो गया, श्रेयांश भाई काम कर रहे हैं। चलो भाई सोने जाते हैं, मिलते हैं सुबह अहमदाबाद। हाँ 6:30 सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैं सोकर उठा, हमारी ट्रेन अभी अहमदाबाद एंटर कर रही है। वैसे रात में मैंने बोरीवली तक का जर्नी आपको दिखाया था, उसके बाद तो मैं सोने चला गया, फिर रात में सूरत एंड वडोदरा आया होगा जो कि मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि तब मैं गहरी नींद में था। चलो कोई नहीं, अभी सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं अहमदाबाद दिखाने के लिए, अभी सुबह 6 बज रहा है और ट्रेन अपनी भाई बिफोर टाइम है अभी, तो अभी हो सकता है बहुत सारा क्रॉसिंग भी देखने को मिले हमें, तो दिखाते हैं आपको एक एक करके जो भी मैं दिखा पाया। और ये देख लो अभी सुबह का कुछ ऐसा माहौल है, ये सामने से देख लो आ रही है भगवा अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत,
ऑल राइट, तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अहमदाबाद जंक्शन, और मैं बता दूं हमारी ट्रेन यहाँ 8 मिनट बिफोर आई है। 6:25 का टाइम था यहाँ पहुंचने का, 6:17 में ही पहुंच गई हमारी ट्रेन। और अहमदाबाद जंक्शन में ना अपने इस भुज सुपर फास्ट एक्सप्रेस का 10 मिनट का हॉल्ट है, और ज्यादा क्रॉसिंग तो मैं नहीं दिखा पाया, बस मुझे अभी वंदे भारत ही देखी, वो भी भगवा वंदे भारत सुबह सुबह, वो भी स्टेशन से जस्ट निकल ही रही थी। लेट्स सी आगे क्या क्या दिखाता हूँ मैं। और सुबह का कुछ ऐसा माहौल है देख लो, अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है अपनी ट्रेन। चलो जी, एग्जैक्ट टाइम पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है अहमदाबाद से। अब इसके बाद जो इसका अगला स्टॉप है ना वो हलवद है। बस थोड़े देर के लिए थे अहमदाबाद में हम, 10-15 मिनट के लिए। वैसे काफ़ी लोग जान पहचान वाले रहते हैं अहमदाबाद में, सोचा था ढोकला खमन मंगवा लेता अपने लिए, लेकिन इतना सुबह सुबह किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अभी लगभग 6:30 बजा है सुबह का। आई नो ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आएगा, पर्सनल मैसेज, मोहित भाई एक बार बता देते यार, सॉरी भाई, मतलब सुबह सुबह मुझे खुद उठने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने आप लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं किया। अपनी यादें भी ले जाना, याद संग अपनी, दिन और रातें भी ले जाना। जा रहे हो तो केचेगोड़ा हिसार, और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना ये सारा पिलर, ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए। हुबली बीकानेर, अभी तक का आप लोगों ने ये जो जर्नी देखा ना अहमदाबाद तक, यहाँ तक तो मैंने जर्नी करा है, लेकिन अहमदाबाद से ये वाला जो रूट है ना जो मैं भुज की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखता तो जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। और इसमें वैसे ब्रेकफास्ट चाय वगैरह तो कुछ आएगा नहीं, वैसे स्टेशन में मिल रहा है, देखते हैं कहीं का बढ़िया अगर मिलेगा तो लेते हैं, अपने पास वैसे है कुछ बचा कुचा खाना पीना, उससे भी काम चला लेंगे। आपने वैसे कार्गो ट्रेन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये डबल डेकर कार्गो ट्रेन सब है,
तो अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है विरामगाम जंक्शन, और ये इस रूट का ना काफी बड़ा स्टेशन है, बट यही है कि यहाँ पे स्टॉप नहीं है अपने ट्रेन का। अब जाते हैं कि शॉवर एरिया में नहाने, नहीं ब्रश वगैरह कर लेते हैं। वैसे टॉयलेट वगैरह तो सेम ही है इसलिए मैं ज्यादा दिखा नहीं रहा हूँ। ये देख लो, ये इनका शॉवर एरिया है, मस्त एकदम ठंडा गर्म पानी आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर आप फ्रेशन अप होना चाहते हो तो वो भी हो सकते हो, बट आपको पता है मैंने बताया हुआ है मैं इस जगह का यूज करता हूँ इस चीज के लिए। डेंटल किट लेकर आ गया हूँ मैं, बस वही ब्रश वगैरह करूंगा, हो जाएगा काम अपना। बस एकदम देखो ना साफ सुथरा है ना इसलिए। चलो जी, ब्रश वगैरह करना हो गया है, अब थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं अपने इस गैलरी में। और वो जो मैंने राजधानी किया था ना कवर, न्यू तेजस राजधानी जिसका ब्रांड न्यू अभी LHB कोच मिला था, उसका मैंने एक चीज देखा था ना, ये जो गैलरी है वो भी थोड़ा चौड़ा था, इससे तो काफी चौड़ा लगा था मुझे। बाकी ये अपना केबिन है, अभी सब सोए हुए हैं, देख लो अभी अंदर का ऐसा माहौल है, सब सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, हम भी जा रहे हैं सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। दिन और रातें भी ले जाना, क्या करूंगा मैं यादों का, क्या करूंगा मैं यादों का जब अभी हम स्किप कर रहे हैं मलिया मियाना जंक्शन, इसके बाद जो अपना अगला स्टॉप है ना वो गांधी धाम है, फिर हम पहुंच जाएंगे भुज। लवली भी सोकर उठ चुकी है, गुड मॉर्निंग। बीच में बहुत सारा तार वगैरह दिख रहा होगा। ये जो देख रहे हो ना, एक तरह से आप बोल सकते हो यहीं से स्टार्ट होता है रन ऑफ कच्च। यही जब सूख जाता है ना पानी तो सब कुछ एकदम व्हाइट व्हाइट सा दिखने लगता है। तो यहाँ पे ना ट्रेन में कोई पेंट्री तो नहीं है, सत्य भाई ने ये जो आए थे ना वो वेंडर बेचते हैं वहीं से। ये 70 रुपए प्लेट इडली वड़ा है और जला हुआ हॉटलेट है, ये देख लो, जला हुआ कटलेट नहीं, जला हुआ हॉटलेट। आप देखो भाई, आपको ट्रेन में अच्छा कटलेट लिखे तो M लिख देना, उसमें मोहित भाई वाला पुराना सिंबल, और अगर हॉटलेट मिले तो H लिख देना, मोहित भाई समझ जाएंगे क्या। तो खैर कोई नहीं, यही है, और टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है इसका, मतलब रिव्यू तो गंदा ही है क्योंकि ट्रेन में मतलब क्या ही मिलेगा यार इसमें, लेकिन होना चाहिए। एक चीज है कि इस रूट में मतलब है नहीं पेंट्री, तो खाना कम से कम अच्छा होना चाहिए। इस मामले में ना बैंगलोर वाला जो साइड है, साउथ साइड बहुत अच्छा है, वहाँ जो मिलता है ना 40-50 रुपए में राइस, लेकिन अच्छा क्वालिटी भाई, खाना का क्वालिटी भी अच्छा है। और बाकी इस ट्रेन में ना प्राइवेसी बोलकर कुछ भी नहीं है भाई, कभी भी कोई बिना नॉक किए ऐसे ही खोल देते हैं गेट, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, हमेशा लॉक करके ही रखो अगर कपल में हो तो। ऐसे तो हम सभी है, लेकिन फिर भी अगर केबिन है फर्स्ट एसी है तो नॉक करना चाहिए उनको। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हमारी ट्रेन रुक चुकी है, हमारी ट्रेन अभी वैसे आ चुकी है समख्याली, और यहाँ अपने इस ट्रेन का बस 2 मिनट का हॉल्ट था, ट्रेन अपनी निकल चुकी है अभी वैसे। हम ख्याली से हम निकल चुके हैं, अब अगला जो अपना स्टॉप है वो है गांधीधाम, जो कि लगभग 11 बजे तक आएगी। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है गांधीधाम, और मैं बता दूं हमारे इस भुज एक्सप्रेस का ना गांधीधाम से होने वाला है रिवर्सल। यहां पे अपनी ट्रेन ना थोड़ी देर रुकेगी भी। गांधीधाम स्टेशन में ना थेपला बहुत अच्छा मिलता है,
तो हमारा प्लान है, टाइम तो है ही हमारे पास, थेपला पैक करवा लेंगे खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट प्रॉपर कुछ हुआ भी नहीं है। हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है गांधी धाम, और मैं बता दूं अपने इस भुज एक्सप्रेस का ना गांधी धाम में 15 मिनट का हॉल्ट है। जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे इस भुज एक्सप्रेस का ना यहां से होगा रिवर्सल, तो ट्राई करेंगे वो भी दिखाने का। और यही है देख लो गांधी धाम रेलवे स्टेशन, वैसे अभी थोड़ा मैप में देख लो आप लोग, सबसे मेन देख लो आगे कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, थोड़ा आगे जाते ही ना लैंड खत्म है, सामने समंदर आपको दिख रहा होगा, तो आप बोल सकते हो ये इंडिया का लास्ट स्टेशन भी है। ये अंदर बैठ कर खाते हैं भाई आराम से, चीयर्स। तो अभी हम लोग ऐसे ही स्टेशन में चिल मार रहे हैं। श्रेयांस भाई देखो चाय लेकर आए हैं भाई, चाय देखकर ही बढ़िया लग रहे हैं। और ले लोगे पक्का भाई, ट्राई करो। ये सामने की तरफ जा रही है अपनी लोकोमोटिव, मैंने बताया ना आपको यहाँ से रिवर्सल होगा, तो ये आ चुकी है अपनी इंजन रिवर्सल के लिए। चलो जी, गांधीधाम से हमारी ट्रेन अभी निकल चुकी है, अब इसका जो अगला स्टॉप है ना वही हमारा फाइनल स्टॉप है, अब हम दूसरे डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी गांधीधाम रेलवे स्टेशन में ना हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं इसको, श्रेयांस भाजी बोलते हैं, भाजी है और थेपला है, हाँ वही कुछ है, मतलब भाजी टाइप ही है और साथ ही थेपला भी है, ये सब कुछ ले लिया। मैंने सुना है थेपला बहुत बढ़िया होता है यहाँ का और अच्छे से पैक भी है प्लेट के साथ है, वाह भाई वाह। चलो इसको ट्राई करते हैं, साथ में अचार भी है, ये चीज काफी अच्छा लगा, एकदम पतला पतला ठेपला है और चाय भी बहुत बढ़िया था लेकिन वो स्टेशन वाला। तो एकदम ऑन टाइम हमारी ये भुज एक्सप्रेस पहुंच चुकी थी भुज रेलवे स्टेशन, और यहाँ जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, देख लो भुज अहमदाबाद का वंदे मेट्रो ट्रेन कवर करने के लिए, और ये कुछ ऐसा है भुज रेलवे स्टेशन, तो कुछ ऐसा है देख लो वंदे मेट्रो जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ये वीडियो एंड होने के बाद जाके आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, होप कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यहां तक देख लिया वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जब तू ही ना साथ रहा।